हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ऑलमाइटी इंस्टीट्यूट। गाइस 99% गाइस जुनून तो नहीं जाना पड़ेगा कहीं दूर, क्योंकि ले आया हूं सीरीज कोहिनूर। गाइस मैं साइज विल फाउंडर एंड फैकल्टी ऑफ ऑलमाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। पिछले 10 साल से 5000 से ज्यादा स्टूडेंट को ऑफलाइन पढ़ाने के बाद फाइनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूं। गाइस बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे स्टूडेंट, सर जल्दी ले आइए सीरीज कोहिनूर, जल्दी लेके आइए। तो फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज कोहिनूर। गाइस आज है एपिसोड नंबर 1 और ये पूरी की पूरी सीरीज सीक्वेंस में बनेगी और आपने सीक्वेंस में ही देखनी है, क्योंकि सीक्वेंस में देखोगे तो समझ आएगा और समझ आएगा 99% की गारंटी मेरी है, और अगर सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो गाइस इस सीरीज में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, वीडियो के अलावा बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, तो आज हम उस सारे डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई, आप वहां पे जाके देख सकते हो कि कोहिनूर सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा। सो आई गाइस शुरू करते हैं आज का एपिसोड, एपिसोड नंबर 1 क्लास 12 बिजनेस स्टडी। सो गाइस सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है मैनेजमेंट। गाइस मैनेजमेंट क्या होती है? गाइस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक आपको मुझे वादा करना पड़ेगा कि जब भी बिजनेस स्टडी आपने पढ़ना है, आपने फील करना कि आपका बिजनेस है, आप बिजनेस के ऑनर हो, अपना बिजनेस समझ के आपने कंसेप्ट को समझना है। क्योंकि अगर बिजनेस आपका होगा तो कंसेप्ट यहां पर बैठेगा, और अगर बिजनेस आप दूसरे का मानोगे तो आपके कंसेप्ट यहां पे नहीं बैठेगा। गाइस तो गोल्डन टिप ऑफ द डे क्या है, बिजनेस आपका है और आप बिजनेस के ऑनर हो और आपने उसको फील करना है जो भी हम बातें करेंगे। राइट गाइस, तो बात करें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की दो डेफिनेशन है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या कह रही थी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। मैनेजमेंट बहुत श्याणी है, श्याणी मतलब काम कोई और करे फायदा कोई और ले जाएगा। मैनेजमेंट में काम खुद नहीं किया जाता है, जितने भी मैनेजमेंट के पर्सन होते हैं, आपके स्कूल की बात करें जो स्कूल प्रिंसिपल है, क्या काम करते हैं? नहीं करते, वो काम करवाते हैं। तो मैनेजमेंट में श्याणा बन के पेड़ा खाने वाली बात है, काम कोई और करे फल कोई और लीजिए। राइट है, मतलब काम किसी का नाम किसी का, वो मैनेजमेंट होती है। दूसरों से काम कराने की कला को क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट बोला जाता है। राइट गाइस, तो बढ़ते हैं आगे मॉडर्न डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली। गाइस मॉडर्न डेफिनेशन क्या कह रहे हैं, उससे एक स्टेप ऊपर है, कह रही काम करवाना है और दूसरों से ही करवाना है, खुद नहीं करना, काम करवाना है दूसरों से करवाना है, बट काम करवाना कैसे है, इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंसी। राइट है, ये इफेक्टिवली क्या होता है, एफिशिएंटली क्या होता है? गाइस ये जो दो कंसेप्ट है आपको पूरे के पूरे बिजनेस स्टडी में क्लास 12th में आपको बार बार यूज होने वाले हैं, तो इन दो स्टेप को दो कंसेप्ट को यहां पर बिठा लीजिए। तो सबसे पहले इफेक्टिव। गाइस इफेक्टिव क्या होता है, इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। अगर किसी भी काम को हम टाइम पे कंप्लीट करते हैं, किसी भी काम को टाइम पे कंप्लीट करते हैं तो उसे बोलते हैं इफेक्टिव। मैंने आपको टारगेट दिया कि शाम तक 10 शर्ट बन जानी चाहिए, अगर आपने शाम तक 10 शर्ट बना दी दैट मींस यू आर इफेक्टिव और एफिशिएंटली। गाइस एफिशिएंटली क्या होता है, इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क विद मिनिमम कॉस्ट और विद नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का वेस्टेज किए बिना कम से कम खर्चे पे अगर आप काम कर देते तो आपको क्या बोलेंगे, एफिशिएंटली। राइट गाइस, तो बात करते हैं, आपको मैंने टारगेट दिया ये शर्ट बन जानी चाहिए, 100 शर्ट बन जानी चाहिए, और कितने के अंदर, 30,000 रुपीज की आपको कॉस्ट अलॉट कर दी, 30,000 के खर्चे के अंदर आपको ये शर्टें बनानी है। अगर आप 30,000 के अंदर वो शर्टें बनाने में सफल हो गए देन आप क्या हो, एफिशिएंट हो। राइट गाइस, अगर आप टाइम पे काम कर रहे हो तो आप इफेक्टिव हो, अगर आप कम से कम कॉस्ट पे काम कर रहे हो तो आप एफिशिएंट हो। राइट गाइस, तो आई गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा फीचर कैरेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट।
गाइस अभी पढ़ा मैनेजमेंट होती क्या है, अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के फीचर्स। तो आइए गाइस वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। गाइस मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है, जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है ना जो काफी काम करता है, वैसे मैनेजमेंट बहुत सारे काम करती है। मैनेजमेंट का सिर्फ एक काम नहीं है कि वर्कर को मैनेज करना या फिर कोई और काम नहीं है, मैनेजमेंट के बहुत सारे काम है, मल्टी डायमेंशनल है, ये एक एक्टिविटी नहीं है। तो पढ़ते हैं, मैनेजमेंट डज नॉट मीन सिंगल एक्टिविटी बट इट इंक्लूड थ्री मेन एक्टिविटीज। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, किसको मैनेज किया जाता है, काम को मैनेज किया जाता है कि आपने क्या काम परफॉर्म करना है, इन्होंने क्या काम परफॉर्म करना है, उसको मैनेज किया जाता है। सेकेंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज किया जाता है। गाइस आपके पास कितनी अच्छे से अच्छी टीम हो, अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे तो आपकी टीम बिखर जाएगी, चाहे वो बिजनेस में टीम हो चाहे वो क्रिकेट की टीम हो। गाइस अगर क्रिकेट टीम को 11 प्लेयर को 15 प्लेयर को अच्छे से मैनेज नहीं किया जाएगा, क्या आप वर्ल्ड कप जीत सकते हो, क्या आपकी टीम लंबे समय तक एक साथ रह सकती है, आंसर नो, बिखर जाएगी, लड़ाई झगड़े होंगे। तो उसको मैनेज करना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है, राइट गाइस। देखिए और जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, लोग होते हैं, पीपल होते हैं, मतलब वर्कर की बात कर रहा हूं मैं, मैनेजमेंट में बिजनेस में जो वर्कर होते हैं ये सबसे बड़ी आपकी एसेट होते हैं गाइस, ये अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिए तो आपका बिजनेस नंबर वन तक पहुंचाने में यही लोग हेल्प करेंगे, राइट गाइस। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। थर्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। गाइस ऑपरेशन क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके उसको सेमी फिनिश में, फिनिश गुड्स में देन सेल करना, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं ऑपरेशन, जो काम होता है आपका मेन काम होता है बेटा, राइट। तो तीन तीन डायमेंशन है इसकी, सिंगल डायमेंशन नहीं है, सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए इसे बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल। गाइज उसके बाद मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट फंक्शन अकेले का फंक्शन नहीं है, या मैनेजमेंट में अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं है हम है मैनेजमेंट में, राइट। मतलब अगर विराट कोहली की बात करूं, क्या विराट कोहली अकेला मैच जिता सकता है, नहीं, चाहे वो कितना अच्छा प्लेयर है कितना कंसिस्टेंट प्लेयर है बट अकेला मैच नहीं जिता सकता। अगर 11 प्लेयर अपना अपना रोल अपनी अपनी जगह पे निभाएंगे तभी गोल अचीव होगा। गोल क्या है उनका, मैच जीतना, और हमारे बिजनेस का गोल क्या है, नंबर वन बनना। तो नंबर वन अगर मुझे बनना है तो हम सबको अपना अपना रोल अपनी अपनी जगह पे निभाना पड़ेगा, तभी अचीव होगा वो गोल, राइट गाइस। पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी एज नो इंडिविजुअल कैन सेटिस्फाई ऑल हिज डिजायर्ड हिमसेल्फ, राइट। अगर सारा कुछ एक ही बंदा कर पाता तो एक ऑनर होता, बिजनेस स्टार्ट करता और वही सारा कुछ मैनेज कर रहा होता, नहीं, वो क्या करता है, खुद कुछ काम करता है, कुछ काम आगे बांट देता है, कुछ मिडिल लेवल को, कुछ लोअर लेवल को, ऐसे ऐसे बांट देता है काम, राइट। क्या होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं गाइस। तो अकेला बंदा नहीं करता, ग्रुप एक्टिविटी होती है, सभी पर्सन मिलके काम को करते हैं। थर्ड गाइस मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड मतलब गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए हम मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट की जाती है, राइट। जैसे आपका गोल क्या है, 99% लेना, तो अगर आपका गोल 99% है तो आप मैनेज करते हो, कैसे मैनेजमेंट करते हो आप, कि मुझे इंटरनेट पैक डलवाना है, फिर उसके बाद ऑलमाइटी इंस्टीट्यूट की मुझे कोहिनूर सीरीज से सारे के सारे ज्ञान लेना है, या आप मैनेज कर रहे हो, फिर उसके बाद नोट्स लेने हैं, फिर सर को व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाउट्स लेने हैं, फिर उसके बाद जो असाइनमेंट्स है वो सर से लेने हैं, ये सारा का सारा आप क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, राइट है। क्यों मैनेजमेंट कर रहे हो, क्योंकि आपका गोल है 99% और मेरा गोल है 5000 से ज्यादा स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना इसी साल, इसीलिए मैं मैनेजमेंट कर रहा हूं। अगर मेरा ये गोल ना होता, मैं मैनेजमेंट ना करता, मैं यहां आप लोगों के लिए क्वालिटी लेक्चर ना प्रिपेयर कर रहा होता, मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट ना प्रिपेयर कर रहा होता, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज ना प्रिपेयर कर रहा होता, आप लोगों के लिए डाउट सेशन अरेंज ना कर रहा होता। गाइस मेरा एक गोल है, मेरा एक विजन है, उसी विजन को, उसी गोल को अचीव करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं, राइट गाइस। तो पहले तीन पॉइंट क्लियर हो गए, तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है गाइज, क्लास 11th में हमने पढ़ा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, जिनकी वजह से प्रोडक्शन होती है, या फिर बात करें जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। सो गाइज ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और
मैनेजमेंट भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हम इसको काउंट नहीं करते बट ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। देखिए जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है गाइस। अगर ये चार चीजें ना हो तो प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लैंड के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती, लेबर के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती, इन्वेस्टमेंट के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकते, और एंटरप्रेन्योर के बिना प्रोडक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं है। बट आप मुझे बताओ, अगर मैनेजमेंट नहीं होगी, अगर मैनेजमेंट नहीं होगी क्या प्रोडक्शन पॉसिबल है? नहीं जी, क्योंकि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। सो मैनेजमेंट भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो आई गाइस रीड करते हैं, मैनेजमेंट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ बट अ मींस टू अचीव द ग्रुप ऑब्जेक्टिव। जस्ट एज लैंड, लेबर, कैपिटल आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैनेजमेंट भी उतनी ही जरूरी है, उतनी ही कारगर साबित होती है प्रोडक्शन के लिए। राइट गाइस, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल क्या होता है? जिसे आपको ना टच कर सकता है, ना ही देख सकता है, वो इंटेंजिबल होती है। राइट है? सो मैनेजमेंट क्या आप टच कर सकते हो, क्या आप देख सकते हो? नहीं। आपके टीचर क्लास में आए और आप शांत हो गए, मैनेजमेंट है। पापा घर पे आए, आपने बुक्स उठा ली, मम्मा चाय बनाने चले गए, टीवी बंद हो गया, मैनेजमेंट है। बट क्या वो दिखता है? नहीं दिखता। मतलब पापा आए, उनके अंदर से क्या निकला, मतलब कौन सी मैनेजमेंट निकली, आपके अंदर कहां घुसी कि आपने बुक उठा ली। और कई बार तो गलती गलती से, या फिर वो उसमें मतलब टेंशन में बुक भी उल्टी पकड़ी जाती है ना, होता है ना कई बार। फिर पापा आके कहते हैं, बेटा एक्टिंग तो सही कर लिया कर, बुक उठानी है तो सीधी तो उठा ले कम से कम। तो ऐसा भी कई बार होता है। तो मैनेजमेंट तो है, मैनेजमेंट है, इसका कैसे पता चला, कैसे फील हुआ? अगर काम ऑर्डर से, काम डिसिप्लिन से हो रहा, इट मींस मैनेजमेंट इज देयर। बट क्या मैनेजमेंट को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते जी, ना टच कर सकते, ना देख सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। और फील कौन करेगा? मैनेजमेंट फील तभी होगी अगर काम ऑर्डर में हो रहा, काम सीक्वेंस में हो रहा। नेक्स्ट गाइस, लास्ट है हमारा फीचर का, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। गाइस मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह अप्लाई की जाती है, हर जगह पाई जाती है, चाहे वो प्रॉफिट वाले बिजनेस हो, चाहे नॉन प्रॉफिट बिजनेस हो, चाहे स्कूल है, क्लब है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, हर जगह, इवन आपके घर में मैनेजमेंट पाई जाती है। क्लियर गाइस? तो मैनेजमेंट हर जगह पाई जाती है, चाहे वो इंडिया, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अमेरिका, हर जगह मैनेजमेंट पाई जाती है, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती है, हर लेवल में मैनेजमेंट पाई जाती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर दे आर बिजनेस, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हर जगह मैनेजमेंट पाई जाती है। तो गाइस ये था हमारा आज का एपिसोड, बहुत छोटा एपिसोड था हमारा फर्स्ट एपिसोड। कल गाइस करेंगे सेकंड एपिसोड और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला एपिसोड छोटा इसलिए लेके आया क्योंकि आज शुरुआत है, फर्स्ट डे में ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहता। अब कल से इससे थोड़ा हम बड़ा और थोड़ा टाइम और इंक्रीज करेंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपको आज के एपिसोड में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अपना डाउट ले सकते हो। गाइस व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, और वहां पर आप छोटे से बड़ा हर एक डाउट पूछ सकते हो। और प्लस और सब बहुत सारी आपको फैसिलिटीज मिलेंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, लाइक आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, बहुत सारी चीजें और मिलने वाली हैं। तो गाइस अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।